अभी हमारे साथ में यहाँ पे कुछ यहीं के शिवपुरम के रहने वाले हैं। बाबू जी नमस्कार, क्या हाल है बाबू जी? क्या कहना चाहेंगे, नगर निगम के चुनाव फिर से आ रहे हैं, फिर से जो है पार्षद जनता के द्वार आएंगे वोट मांगने, क्या कहना चाहते हो? हुए कुछ काम? कुछ नहीं, यहाँ पे काम होता है ना, हमने देखा 3 साल हमें रहते हो गए यहाँ पे, हमने आज तक यहाँ पे कभी पार्षद को भी देखा अपनी गली में आते हुए, बाले कोई समस्या हो कोई कुछ है ना, इसमें 4-4 फुट पानी रहा पिछले साल गली में, हमने खुद अपने खर्चे से निकलवाया पानी, किसी ने आकर मतलब नगर निगम से हमने पाइप तक मांगा, पाइप तक नहीं दिया हम लोगों को, वो भी अपना बोल ला के तब जाके जो हमने काम कराया यहाँ पे, तो हमें क्या पता हमें पार्षद कौन है जो कभी आए नहीं। क्यों जी, वार्ड नंबर आपका कौन सा हो गया भाई जी? मरवारा 19 है और विनीत नगर में हम शिवपुरम के अंदर ये पड़ता है। तो जैसे बाबू जी आगे देखा जाता है बरसात के दिनों में पानी भर जाता है बीच में, बहुत बुरा हाल रहता है भैया यहाँ पे, तो सड़क पर जो ऑन रोड ये सड़क है इस पर भी काफ़ी सुदृढ़ कच्चो चुराहा है, यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता है, मतलब ये स्थिति हो जाती है कि निकलना मुश्किल रहता है यहाँ पे। अच्छा जी, अब आप देखो क्या चलो ये तो सड़कों की बात हो गई, कूड़े वगैरह की कैसी व्यवस्था है, गाड़ी आती है कूड़े की? गाड़ी तो खैर अब तो आने लगी, मगर ना कभी कोई जमादार नहीं झाड़ू लगाने आते, कोई नाली ना साफ करती, कुछ नहीं है यहाँ पे, व्यवस्था बिल्कुल बेकार है यहाँ पे। तो जो आपके पार्षद है जनता के बीच में बिल्कुल नहीं आते, आके झांकते नहीं? देखे नहीं अपनी गली में, तो हमने तो देखे नहीं, शकल भी नहीं देखी आज तक हमने। ठीक, तो अब तो आएंगे, अब तो चुनाव आ रहे हैं, अब तो आएंगे वोट मांगने। अब क्या वोट दे रहे उसको, ऐसे आदमी को क्या वोट दे रही जो आदमी मतलब जनता की तरफ को देखता ही नहीं, आके बनकर मेंबर सभासद बन के एक बार दोबारा झांकता ही नहीं, कह रहे हाँ भाई कौन है क्या है, जनता कैसे रह रही कैसे नहीं रह रही, क्यों जी? उसने चुना है, जिम्मेदारी बनती है, आते ही नहीं बिल्कुल भी? बिल्कुल, मैंने तो 3 साल में कभी देखा नहीं यहाँ पे गली में आते हुए, मैं 3 साल मेरे को रहते हो गए यहाँ पे, 2021 में आता मैं, 22, 23, 24, अब आप देख लो मेरे समस्या है। अच्छा, सड़कों पे जो होती है खंभों पे जो लाइट है स्ट्रीट लाइट वगैरह वो कैसी है आपकी तरफ? स्ट्रीट लाइट आप देख लो, ये तो पूरी रोड पे आपको दिखाई दे रही है, कहाँ जल रही कहाँ नहीं जल रही, क्यों जी? अरे मान लिया अंदर गली में एक आधी लाइट जली भी गई, खराब होगी तो ठीक करने नहीं आते हम, अपने खर्चे से ठीक कराते हैं। अच्छा, स्ट्रीट लाइट भी आप अपने खर्चे से ठीक करवाते हो? भाई मान लिया हमारी जान पहचान है किसी भी लाइन मैन को बुला के अपना ठीक करवा लें, और क्या करें, नगर निगम के भरोसे कब तक रहेंगे, कब तक पड़ेंगे दे रहे हैं, क्यों जी? बाबू जी फिर से चुनाव आ रहे हैं, इस बार कोई चेहरा बदलेंगे या कैसे, पार्षद नया देखेंगे कोई अपने बीच का? अरे बिल्कुल देखना पड़ेगा, जो हमें तो वो चाहिए जो मतलब हमारा काम करे, जनता के बीच में काम करे रह के, क्यों जी? वैसे का क्या करना जिसकी शक्ल ही नहीं दिखाई देती, क्यों जी? अच्छा बाबू जी, 10 में से नंबर, एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं आपसे, 10 में से अगर नंबर देने चाहो उनके काम को देखते हुए कितने नंबर देंगे? उसे तो हम 0% भी देते हैं, जो पार्षद है फिलहाल का हमें तो पता ही नहीं हम कौन है, हम जानते नहीं जब उसको, कभी आकर किसी की समस्या पूछता हो, किसी मिलता हो चिलता हो कभी बात करता हो, कोई मतलब बिल्कुल 0 नंबर, 0 बिल्कुल। अच्छा जी, आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 19 का जो सर्वे कर रहे हैं हम, अभी बात कर लेते हैं, अभी क्या कहना चाहोगे सर? बाबू जी रहने वाले नहीं हूँ, लेकिन कारोबार तो आपका इधर की तरफ कहीं ना कहीं होगा, ये नालियाँ वालियाँ हैं तो देख रही होगी आपको, ये तो सारी सील पड़ी बंदी पड़ी, साफ सफाई है ही नहीं, जो पानी भरता है उसकी वजह क्या है, मतलब ये नाले जो है ये कि आगे जाए पानी क्रॉसिंग नहीं हो रहा, कि नाली बंद पड़े हैं नाले दोनों साइड से। जी बाबू जी, नाले जो भरे हुए हैं कि क्या वजह क्या है इसकी? सफाई भी नहीं होती, कहने को तो सफाई करवा रहे हम, कुछ करा रहे, टेंडर छोड़ देंगे कुछ कर देंगे, मगर सफाई भी नहीं हो, पत्ती घास तक तो इनका निकलता नहीं पानी नाली में से। ये आपका कहना है कि अगर जो जनता की समस्या है जनता खुद ही उसको भुगतेगी, खुद ही उसमें लड़ेगी, खुद ही भिड़ेगी? खुद ही लड़ रही, खुद ही भिड़ रही, और क्या करे, खुद ही करा रही जनता यहाँ पे, क्यों जी? बाकी तो कोई हमने देखा ही नहीं, पार्षद का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कहीं भी किसी भी समय? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। तो आप देख सकते हैं समस्याएं हैं, और अभी बात कर लेते हैं वार्ड नंबर 19 में सर्वे दिखा रहे हैं आपको, शिवपुरम में ये मेन रोड जो है शिवपुरम कहलाती है पूरी, इधर की तरफ अभी आपको हम सर्वे करा देते हैं, पूरा बन रही है न्यूज़ वन नेटवर्क के साथ। दी हेलो हेलो, बाबू जी ने बता दी समस्या, नाले देख सकते हैं, देख रहे हैं बदबू भी है मच्छर भी हैं, आप यहाँ पे रहते हो पूरा दिन, आटा चक्की का काम ऐसा है कि जो स्थानीय लोग हैं बहुत आते होंगे, क्या चर्चाएँ क्या होती हैं? चर्चाएँ आज यहाँ से जब ये जो नालियाँ हैं पूरी नहीं बनी है, तब तक ये नालियाँ नहीं बनने की यहाँ से पानी की निकासी नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो नालियाँ जो हैं आगे जाके क्या अट रही हैं या मतलब बंद हैं? कहीं निकासी नहीं है पानी की यहाँ पे, नालियाँ आप थोड़ी आगे तक चल के वहीं तक ब्लॉक हैं, आगे कहीं इनकी सप्लाई नहीं है।
पानी बाहर नहीं निकलता शहर से। अच्छा, आप तो यहाँ पे रहते हैं, देखते हैं बहुत लोगों को सड़क पे आते जाते, तो पार्षद जी कभी आते हैं यहाँ पे बात करते हैं? कभी कभी आते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं, समस्या नहीं सुनते? कोई सुनवाई तो है ही नहीं यहाँ पे। ये क्या फिर आते हैं? प्रदर्शन भी कर लिया, ये नाली वगैरह भी स्टेटमेंट दे लिया, लेकिन कोई नहीं सुनवाई। आने के बाद में क्या बात होती है आपके और उनके बीच में? करवा देंगे, आश्वासन दे देते हैं। आश्वासन खाली। इसमें से कितने नंबर दोगे उनको, उनके काम को? अजय काम तो है ही नहीं, काम नंबर कहाँ? तो फिर उसी हिसाब से दे दो नंबर, उसी हिसाब से नंबर दे दो। क्यों बाबूजी, नंबर कहाँ से दिया जाओगा? इसमें से कितने दोगे? अगर कुछ ऐसे कुछ काम नहीं देखते तो हिसाब से कोई भी नंबर दे दो आप। देखो अगर पब्लिसिटी के हिसाब से देखे तो 0% ही है। अच्छा, फिर से आएंगे, फिर से चुनाव आने वाले हैं, फिर से आपके बीच में आएंगे वोट मांगने, तो क्या रहेगा? अजय वोट तो याद देनी पड़ेगी लोगों को, किसी न किसी को तो देंगे ही। इस बार कोई चेहरा देख रहे हैं ऐसा, कोई बीच का चेहरा या फिर से आएगा तब देखा जाएगा, अभी कोई आया नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आपको पूरे वार्ड नंबर जो है 19 का सर्वे करवा देते हैं, बने रहिए हमारे साथ। वार्ड नंबर 19 शिवपुरम नगर निगम क्षेत्र रुड़की का आप सर्वे देख रहे हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क के माध्यम से। बात कर लेते हैं अभी क्या कहती है यहाँ की पब्लिक। वार्ड नंबर 19 शिवपुरम का अभी हम सर्वे कर रहे हैं, नगर निगम के जो सुविधाएं हैं कितनी मिल रही हैं कितनी नहीं मिल रही हैं, बात कर लेते हैं अभी। बाबूजी नमस्कार, क्या हाल है बाबूजी? बाबूजी वार्ड नंबर 19 का शिवपुरम का सर्वे कर रहे हैं नगर निगम के इलेक्शन को लेके, कितनी साफ सफाई है, क्या व्यवस्थाएँ हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे सर, साफ सफाई कैसी है, स्ट्रीट लाइट कैसी है, क्या कहना चाहेंगे, व्यवस्थाएं कैसी हैं? हमारी तरफ से तो व्यवस्था बिल्कुल सही है, स्ट्रीट लाइट बिल्कुल सही जी, हमारी गली में आगे पीछे दोनों गली में व्यवस्था सही है, कोई दिक्कत नहीं। कूड़े की बात कर लें तो कूड़ा डेली बेसिस पे उठता है? जी डेली आता है, गाड़ी वाला डेली आता है, घर घर आता है, घर घर से जो लेते हैं, क्लोज करते हैं। सर जो ये वाला एरिया है यहाँ पे पानी जल भराव की समस्या रहती है, इन गलियों में भी कई बार देखा गया पानी भर जाता था? पहले थी अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है, पहले थी अब नहीं है, तो ऐसा क्या हुआ कि अभी सही हो गई वो समस्या? सड़क बन गई है, समस्या हल हो गई, नाले साफ सफाई हुई है। अच्छा, पीछे अभी बात करी हमने, देखा है नाला जो है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो नाला है आगे बंद है, मतलब जो पानी है बैक मार जाता है, वो गवर्नमेंट का हिसाब किताब हो जैसे भी चाहेंगे, लेकिन यहाँ से पानी आगे जा रहा है। नगर निगम के जो कार्य रहते हैं कैसे देखते हैं कि मतलब सही है नगर निगम के कार्य बाबूजी यहाँ पे? सही है, सही है। स्ट्रीट लाइट वगैरह खराब जाती है तो सही भी जाती है जल्दी? बिल्कुल, हमारे यहाँ पार्षद तो कंप्लेन की जाती है पार्षद को या खुद से ही फोन करते हैं, करा देते हैं। पार्षद जो है बीच में आते रहते हैं जनता के, आपकी गली में आते रहते हैं बात करने? आते हैं, आते बुलाएं तो आते हैं। अच्छा, बुलाना पड़ता है, आ जाते हैं। कल तो खुद ही दवा छिड़कवाई है ना, कल तो जब मच्छर मारने वाली दवा अपने आप बैठ कर बाइक के पीछे काम ठीक कर रही है, वैसे दवा का छिड़काव भी होता है। जी। अच्छा बाबूजी, एक लास्ट आपसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर 10 में से नंबर देना चाहें उनको, उनके काम को देखते हुए, स्ट्रीट लाइट, कूड़ा सफाई और सड़क, कितने नंबर देंगे 10 में से? और आप कितने नंबर देंगे 10 में से? बिल्कुल 10 ही मान लीजिए आप, बिल्कुल सही बाबूजी। एक वो लड़की ऐसी है, ये उसके अंदर मैं नहीं है, और जो काम जो बताते हैं वो काम करती है, ये है हेमा विश्व का जो है हिसाब किताब, हम नहीं बेचारी जाए तुरंत आती है, कहना मानती है, सारा काम कराती है, हमारी गली में तो कराती है, बाकी कहीं और कराए ना कराए इसका हमें पता नहीं है। जी, एक नंबर की चीज़ की काट ली बाबू जी, 10 में से 9 नंबर दिए काटी, और अच्छा काम करें आगे, इसलिए अच्छा काम करें, वैसे बहुत बड़े पार्षद है, मतलब कहने में मतलब ऐसे मतलब कोई घमंड वाली बातें नहीं, बड़ी बड़ी तुरंत सुनते हमारी बातें।
बाबूजी कोई सुझाव भी हैं ऐसे जैसे आने वाले समय में फिर से जो है इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से जो आएंगे जनप्रतिनिधि 1, 2, 3, 4 बहुत सारे आएंगे, तो कोई ऐसे सुझाव भी हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी गली में हो, कोई गेट लग जाए या कुछ? कई बार हमने देखा है कि बोलते हैं लोग गेट लग जाए या कुछ ऐसा, कुछ सुझाव हैं इस तरह के आपके दिमाग में, जहन में? लगाता कोई नहीं गेट लगाता है, सुझाव तो है बहुत दिन से। अपनी जो गली के सभी मेंबर इकट्ठे होकर के जो हमने ये सुझाव रखा था प्रस्ताव, लेकिन वो प्रस्ताव पूरा नहीं हुआ तो फिर जो गेट नहीं लगा। आपकी जो ये गली बंद है, ये गली बंद है और यहाँ हमने गेट लगाने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो गेट जो सभी एग्री नहीं हुए उसमें जो है। हमारा पार्षद बढ़िया, बस बहुत बढ़िया पार्षद, हम तो कह रहे आगे वही खड़े हो। मतलब आगे जो है फिर से आप उन्हीं को देख रहे हैं, उन्हीं को चुनने के मूड में हैं? उनके चुनने के मूड में। ठीक है ना चाहेंगे सर? देखो वो तो जो है वो खड़ी होंगी तो उनको चुना जाएगा, नहीं खड़ी होंगी तो किसी और को चुना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, बहुत 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 धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नगर निगम के इलेक्शन आ रहे हैं, उसके लिए एक सर्वे कर रहे हैं छोटा सा, कैसी कूड़े की व्यवस्था है, साफ़ सफाई कैसी, स्ट्रीट लाइट है? तो जैसे गृहिणी हैं आप लोग, आपको मतलब कूड़े की जिम्मेदारी आप लोगों की रहती होगी, तो क्या कूड़े की गाड़ी मतलब रोज़ आती है, डेली आती है? आती है कूड़े की तो, मगर ये कि बस यहाँ वो नहीं लगी ना लाइट, बच्चे गिर जाते, लाइट नहीं लग रही है, बस बोला था इन्हें 3-4 लाइट लगी नहीं मगर। अच्छा मैडम, जैसे अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं अंधेरा है यहाँ पे, तो रात को दिक्कत भी होती होगी, नगर निगम की जिम्मेदारी है? बोली थी लाइट लगाऊंगी, लगाई नहीं। अभी आती रहती हैं जो पार्षद हैं यहाँ के आपके बीच में? वो करने ना मोबाइल में ले गए थे हमारे, पता नहीं कब आई, दोबारा बोलेंगे तो बात अलग। तो बीजेपी का वो था कुछ? हाँ हाँ, क्या नाम है उसका, जो आते वो बाल भूल गए नाम, हेम भी नहीं, वो दूसरी नहीं आई थी दिनों करने। मैडम जैसे कूड़े की गाड़ी जैसे डेली आती है कभी कभी ऐसा घर से ही कूड़ा लेके जाती है? हाँ डेली वो तो आती है, झूठ की बोले वो तो आती है, झाड़ू मारने वाले भी आते हैं कभी कभी, नाली साफ करने वाले बहुत कम आते हैं, मगर नाली साफ बहुत कम होती है, इतना हिस्सा कर लेते हैं, इतना हिस्सा तो बहुत कम करते हैं, तब बोलना पड़ता तब करते हैं वो साफ, बस और तो सब सही है। हाँ 10 में से नंबर देना चाहें जो पार्षद हैं, 10 में से नंबर देना चाहें जो पार्षद हैं, उनके काम को देखते हुए कितने नंबर देंगे आप? अब हम मैं क्या बोलूँ, वो तो सभी बताएंगे ना, मैं थोड़ी अगर जितना भी आप जितना भी दे सकते हैं नंबर, नहीं भी देंगे तो कोई बात नहीं, अगर देना चाहें उसमें तो सब सही है ना, मगर ये बस ये वो भी ख़राब हो रही है, रोड है सारी, बच्चे गिरते रहते हैं और लाइट है। बताया जाता है उनको फिर से इलेक्शन आ रहे हैं, क्योंकि हम सर्वे कर रहे हैं, फिर से इलेक्शन, अब वो फिर से आएंगे आपके पास में, तब करेंगे तब बोलेंगे, फिर से आएंगे वोट मांगने, तो अभी क्या मुद्दे रहेंगे, सड़क हो गई, कूड़ा हो गया, देंगे ही क्यों नहीं देने, जब वो तो देना ही है जो है जी बना रखी, जो आपकी जो मांगे हैं स्ट्रीट लाइट वगैरह बताई जाएंगी उनको, ये सही हो जाएंगे तो सही है, फिर देंगे तब सही करेंगे और क्या, उनसे ही पूछ लो मैं से। मैम 10 में से कितने नंबर देंगे जो आपकी पार्षद हैं उनके काम को देखते हुए, 10 में से कितने नंबर देंगे उनको? 10 में से बस 8 दे दूंगी, 8 नंबर। नाली अभी क्या करते हैं, एक दिन साफ करते हैं फिर दूसरे दिन वो कूड़ा वहीं जमा रहता है, उसे उठाते लेट है। वैसे आपने बताया कि पार्षद आपके बीच में आई थी, तो उनको बताया जाता है समस्या, जैसे सड़क यहाँ की हम देख रहे हैं बिल्कुल एकदम जर्जर, पता ही नहीं चलता कब वो आते हैं कब नहीं आते, हम लोगों को पता नहीं चल पाता है इस वजह से। और लाइट है, ये लाइट कब से खराब पड़ी हुई, ये जलती ही रहती है, लेकिन इसका स्विच अभी तक सही नहीं किया, अब कंप्लेन करो तो कंप्लेन वहाँ होती नहीं है। कहना है कि कुछ लाइटें तो दिन में भी जलती रहती हैं, कुछ लाइटें खराब है, ये दिन में भी जलती रहती है, आगे जो है लाइट ही नहीं है, आगे लाइट ही नहीं है, लाइट है या खराब है? नहीं आगे है ही नहीं, आगे नहीं है। मैडम क्या कहना चाहेंगे, नगर निगम के इलेक्शन आने वाले हैं, फिर से जो है जनप्रतिनिधि आपके घर पे आएंगे वोट मांगने, कैसी है साफ सफाई की व्यवस्था, कूड़े वूड़े उठ रहा है, कूड़ा वगैरह गाड़ी आ रही है, कूड़े की गाड़ी तो आ रही है, लेकिन यहाँ पे नाली साफ करने वाले नहीं आते समय समय पर जैसा आने चाहिए, और वहाँ की लाइट तो काफ़ी टाइम से ही ख़राब हो रखी है, कोई हमने कई बार बोला भी है पार्षद को लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो नाली के खुद साफ़ करनी पड़ती है, हर घर के लोग खुद ही करते हैं? खुद ही करते हैं जब वो आते ही नहीं समय से। झाड़ू वगैरह की कैसी व्यवस्था है? झाड़ू की तो यहाँ आ ही नहीं रही वो काफ़ी समय से। सड़क भी देख रहे हैं हम, थोड़ा जर्जर हालत में है, बताया जाता है जो पार्षद बीच में आती हैं तो बताया जाता है उनको समस्या? हाँ बताई जाती है। क्या बोलते हैं, आश्वासन दे दिया जाता है जी? अच्छा फिर से इस बार इलेक्शन आ रहे हैं तो फिर से आएंगे वो वोट मांगने, तो क्या मुद्दे रहेंगे? स्ट्रीट लाइट बताया मैडम ने, अभी स्ट्रीट लाइट रहेगा, नाली आपने बता दिया, और क्या मुद्दे रहेंगे?
मुद्दे ये रहेंगे हमारी सड़क की व्यवस्था और ये लाइट वगैरह, समय समय पे सफाई, समय समय पे नाले की सफाई, ये सब रहेगा। मैडम 10 में से एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 10 में से अगर नंबर देना चाहें उनके काम को देखते हुए कितने नंबर देंगे? अब मैं तो जी कोई भी नंबर नहीं दूंगी। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कूड़े की व्यवस्था सही है या कुछ, तो मतलब कितने नंबर देना चाहेंगे? यहाँ पे सिर्फ गाड़ी सही आ रही है, बाकी और कुछ काम नहीं हो रहा। नंबर देंगे 10 में से? 10 में से मैं 4 नंबर ही दूंगी। 4-5 नंबर दे देंगे। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। भाऊ जी नमस्कार, नगर निगम का सर्वे कर रहे हैं, घर घर जाके हर वार्ड में जाके क्या कहना चाहेंगे? वार्ड नंबर 19 में खड़े हैं अभी। वार्ड नंबर कौन सा है आपका? 19 ही है ना? जी 19 है। शिवपुरम में खड़े हैं, क्या कहते हैं व्यवस्थाएं कैसी हैं कूड़े की, स्ट्रीट लाइट की और जो है? आपके राय है, लेकिन फिर भी जो जितना भी फील करते हैं वो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, वैसे साफ़ सफाई तो करते ही हैं, वैसे ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, सफाई करने के लिए आते हैं। और थोड़ा सा ये है कि भाई रोड वगैरह का है तो जो गड्ढे गुड्ढे पड़े इस पर, बाकी और तो बढ़िया है। सुझाव लेते हैं, अगर सुझाव देना चाहें जो आपको लगता है नगर निगम के लेवल पे कुछ काम होने चाहिए तो क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या काम होने चाहिए? हमें वैसे ठीक है, कोई बात नहीं, किराएदार हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमने एक संपर्क साधने की कोशिश करी, बात करने की कोशिश करी। मैडम सुझाव अगर एक देना चाहें, जैसे एक या दो सुझाव देना चाहें, क्या देंगे सुझाव? देना चाहूँगी मैं कि एक तो यहाँ समय समय पे सफाई होनी चाहिए, नाले की सफाई होनी चाहिए और यहाँ पे बस ये साफ़ सफाई हो जाए, यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था हो पूरी। स्ट्रीट लाइट की मांग करते हैं आप, और जैसे सड़क हमारी ये दरदरी हो रही है सही हो जाए। मैडम हमने बहुत जगह देखा पीछे कहीं भी कि जैसे जो कॉलोनी है कि गेट की मांग की जाती है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा है कि गेट की मांग करते हैं सेफ्टी इशू के लिए? गेट की मांग तो की थी पहले, लेकिन अभी कोई उसका आंसर नहीं मिला। आपकी जो गली है ये आर पार हो जाती है? बंद है? बंद है। तो गेट लग जाएगा तो सुरक्षित हो जाएगी, तो मांग की जाती है इस बार मुद्दे रहेंगे गेट लग जाए? मुद्दा रहेगा, बादशाह आएंगी बीच में तो मुद्दे रहेंगे कुछ ऐसे? ये मुद्दा रहेगा गेट का, क्योंकि हमारी गली बंद है ना इसलिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी हम शिवपुरम वार्ड नंबर 19 में खड़े हैं, बने रहिए द न्यूज़ वन नेटवर्क के साथ। हेलो हेलो, एक स्थानीय निवासी हमको मिल गए हैं, बात कर लेते हैं। भैया कैसे देखते हैं व्यवस्थाएं कूड़े की, स्ट्रीट लाइट की, सड़क की, कैसे देखते हैं? तो खुद देख लो आप, गली है बाहर, सारी गली जाम है, गोबर अटका हुआ है सारे में, साफ़ सफाई नहीं है, इतनी लाइट थी वो रिपेयर लाइट हुई हो रही है, उनकी चांदना वापस नहीं आता। एक लाइट यहाँ पे बोली थी वो नहीं हो रही, यहाँ पे सड़क बोली थी मैंने, उन्होंने कहा था पार्षद जी ने कि तुम सड़क पर मलबड़ डलवा देना, बाकी हम बनवा देंगे। अब वो भी डलवा दिया, वो भी नहीं हो रहा। जो आप यहाँ पे लाइट देख सकते हैं ये हमारे कैमरे की लाइट है, वरना यहाँ पे गुप एक अंधेरा जैसा है और कहीं ना कहीं ये खतरा भी बना रहता है, जो क्योंकि थोड़ा सा एक रोज साफ निकलता है ये रे, पीछे आप देखो रोड की क्या कंडीशन हो रही है यहाँ पे, बरसात में बहुत बुरा हाल हुआ, यहाँ भी घरों में साफ घुसे यहाँ पे अंदर गाय भैंस के पास हमारी। तो बोला जाता है पार्षद जी बीच में आते हैं या? पार्षद जी क्यों नहीं आते, पार्षद जी तो आते हैं बीच में, वार्ड ही उनका है। जनता के बीच में आते हैं तो समस्या बताई जाती है, समाधान होता है? वो फोन करके बुलाने होते हैं, वैसे नहीं आते, वैसे नहीं आते, वैसे कोई नहीं आता यहाँ पे। फोन करते हैं, फोन उठाते हैं, फोन काटते हैं, आज ये हो गया, आज वो है, वही सो रस्ते बताते हैं अपने अलग अलग, ये है, कुछ नहीं है वैसे। अब तो आएंगे, अब तो इलेक्शन है, अब तो जनता के द्वारा आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, कोई नहीं, अब हम बताएंगे। क्या इस बार फिर कौन सा चेहरा देख रहे हैं? कौन सा चेहरा होगा वैसे तो जो फिलहाल यहाँ पे मौजूद वो है वार्ड, तो उसे तो हम देंगे नहीं, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। कोई नया चेहरा अपने बीच का है कोई ऐसा देख रहे हैं? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, ये वाला पास है ठीक नहीं है। अच्छा एक लास्ट कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लेते हैं आपका, एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अगर 10 में से नंबर देना चाहें उनको उनके काम को देखते हुए, 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 50% ओनली 5। वार्ड नंबर 19 शिवपुरम इसको बोला जाता है, और मैं चाहूँगा कि जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में आप बताएँ। मेरा नाम है आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वार नेटवर्क। धन्यवाद।